ज्ञानम के इस दो दिवसीय धर्म अध्यात्म समाज राजनीति और विभिन्न विषयक जो एक महोत्सव है ये एक महाकुंभ है इसका पहला सत्र अभी हम आरंभ करने जा रहे हैं और हमारे इस सत्र का जो विषय है वो कि धर्म क्या है अगर देखा जाए तो आज के युग का ये जो प्रश्न है ये उस तबके को भी मथता है अंदर तक जो तबका लगभग अनपढ़ है या कम पढ़ा लिखा है उस तबके को भी मतता है कि जो तबका बहुत पढ़ा लिखा है सामान्य सामाजिक मापदंडों के हिसाब से तो यह विषय है कि धर्म क्या है आस्था आडंबर या फिर आचरण हमारा सौभाग्य कि इस सत्र के लिए हमारे सामने आपके सामने और मेरे साथ जो मंचस्थ विभूतियां मैं ये तो नहीं कहूंगा और यह कहने की गुस्ताखी भी नहीं करूंगा कि इनका परिचय करवा रहा हूं लेकिन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा एक आध वाक्य मैं कहने जा रहा हूं मेरे इस तरफ से पहले नंबर पर आप जो हैं निर्मला सेवानी जी मंत्रज्ञ हैं मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के जोरदार का मतलब जोरदार ही होती है फिर कंजूसी नहीं होती है खर्चा करो तो दिल खोल कर और ताली बजाओ तो हाथ खोल कर यानी मेरे अलावा यहाँ सब समझदार हैं उसके बाद में अगर उधर चलूँ तो जिनकी कायिक पहचान शारीरिक पहचान में उनकी मूँछों का एक विशेष रोल है लेकिन ध्यान दीजिए इनके व्यक्तित्व में मूँछों का रोल सिर्फ मूछों तक ही सीमित नहीं है जैसे कहते हैं ना मूछे आदमी की आन बान शान की प्रतीक होती है तो इनके व्यक्तित्व में इनके स्वाभिमान की ये वैसे ही कड़क मूछें हैं कड़क स्वाभिमान वाले श्री ज्ञानदेव आहूजा जी बहुत छोटी सी पहचान यह है कि आप भाजपा के विधायक हैं अलवर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से और इसके इतर जो पहचान है वो ये है कि प्रखर राष्ट्रवादी और प्रखर राष्ट्र भक्त हैं आप चलिए इनके उस तरफ मैं जाऊं तो इनसे मेरा परिचय तो 21 बरस पुराना है लेकिन आपको जानकर अचंभ होगा कि आज रूबरू होने का मौका मिला है सुशील जी महाराज गोस्वामी सुशील जी महाराज पिछले 21 वर्षों के सफर में इन्होंने जो धर्म और अध्यात्म में एक यात्रा आरंभ की उसमें बहुत आगे बढ़े हैं और मैं 21 वर्ष पहले इनके एक दूसरे रूप से वाकिफ हुआ था परिचित हुआ था और वो रूप था रंग मंच से जुड़ा हुआ और वहाँ भी इन्होंने झंडे गढ़े यानी गोस्वामी जी का यानी सुशील जी महाराज का जो शु आगे लगा हुआ है वो वास्तव में एक सुपथगामी का द्योतक है और चलिए इनके उस तरफ में अगर मैं चलूँ तो मैं बात करूँगा चीफ़ खाजी साहब आप हिंदुस्तान की बहुत अहम शख्सियत हैं और ये हैं डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी जी तो जनाब इलियासी जी का भी जोरदार तालियों के साथ में स्वागत किया जाए और बिल्कुल किनारे उस तरफ मैं चलूँ तो वहाँ मुझे यीशु मसीह के दूत के रूप में मौजूद हैं और वो दिखाई दे रहे हैं और आपका परिचय करवा दूँ ये है बिशप थेडोर मस्कर हैंस सी के प्रमुख हैं और हमारे बीच पधारे हैं बहुत दूर से आए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया कर दूं आपका कि आपने इन सबका तालियों के साथ स्वागत किया लेकिन अब मैं मुखातिब हो जाता हूं मंच की तरफ धर्म क्या है तो देखिए यहां पर मैं इन दोनों को एक अलग कर देता हूं और आप तीनों को अलग कर देता हूं इसलिए मैं वो भी बात बता रहा हूं आपको कि इनको फिलहाल मैं धर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में चार चार मिनट का समय दूंगा और आप दोनों को उसके एक विश्लेषित और व्याख्यायित रूपायित स्वरूप से जोड़ करके आपसे फिर मुखातिब होऊंगा सबसे पहले मैं जाता हूं गोस्वामी सुशील महाराज के पास में चार मिनट के समय में आप ये बताने की कोशिश कीजिए कि हिंदू धर्म का मूल अवदान और अवदान से पहले उसको हम कैसे रूपायित कर सकते हैं आप सबको नमस्कार ज्ञानम के इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूं हिंदू समाज विशेषकर सनातन धर्म जिसका प्रतिनिधित्व मैं करता हूं यह धर्म एक ऐसा धर्म है कि जिसने विश्व में कई धर्मों को जन्म दिया अर्थात इस पृथ्वी पर जितने भी धर्म आए हैं जितने महापुरुष आए हैं वो जन कल्याण के लिए आए मगर आदि काल से सबका जन्म दिवस हम बता सकते हैं मगर सनातन धर्म का जन्म दिवस बताने वाला कोई नहीं इसी से हम इसको ये मानते हैं कि सनातन है अर्थात प्राचीनतम धर्म जब मानव ने इस धरा पर एक बुद्धिजीवी के रूप में एक बुद्धिमान जीव के रूप में अवस्थित हुआ तो सबसे पहले नक्षत्रों की पूजा करते हुए सनातन धर्म का जन्म हुआ धीरे धीरे समाज बढ़ता गया और समाज बढ़ने के साथ साथ अनेक अनेक धर्म इस पृथ्वी पर आए और विकसित होते चले गए और अपनी अपनी विचारधाराओं के साथ अध्यात्म के साथ जुड़ते चले गए ज्ञानम एक ऐसी सोच है जो मुझे गोस्वामी जी ने बताई दीपक जी ने ज्ञानम एक ऐसा शब्द है ऐसा एक नाम है इसको किसी एक धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता हर धर्म किसी ना किसी ज्ञान से भरपूर है परंतु ज्ञान जो है वो धर्म से भी बड़ा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है और उस सीमा में रहते हुए किसी भी धर्म को मानने वाला है किसी भी संप्रदाय को मानने वाला है परंतु वो व्यक्ति इंसान है जो ईश्वर को मानता है और जिसका परम पिता परमेश्वर एक ही, ही है जिसको हम सिक्की में कहते हैं एक अंकार सत्य नाम करतार जो एक ही नाम है ईश्वर का उसी का नाम ज्ञानम है जहां से ज्ञान प्रारंभ होता है साकार और निराकार दो व्याख्याएं आदि अनादि काल से धरती पर विद्यमान है परंतु आज भी ये प्रश्न चिन्ह है और सभी धर्मों के लिए प्रश्न चिन्ह है सभी धर्म सभी व्यक्ति सभी मनुष्य उस ज्ञान की खोज की ओर आगे बढ़ रहे हैं मगर वो ज्ञान जो वो चाहते हैं अभी उसको प्राप्त नहीं कर पाए क्यों कि निराकार निरूप नी निरंग नी देखा उस ईश्वर का कोई आकार नहीं है कोई रंग नहीं है कोई रूप नहीं है सब ने अपनी अपनी भावनाओं के साथ अपने एहसास के साथ उस ईश्वर की एक तस्वीर को बनाया है किसी ने मूर्ति के रूप में बनाया है और किसी ने बिना मूर्ति के रूप में बनाया है और हमने एक ही बात कही कि परमात्मा का अगर साकार रूप देखना है ज्ञान का साकार रूप कोई देखना है तो तीन से चार साल तक के एक बालक को देखिए बालिका को देखिए आपको ईश्वर का साकार स्वरूप नजर आएगा धन्यवाद धन्यवाद गोस्वामी सुशील महाराज और मैं इस क्रम में अब आगे इलियासी जी की तरफ जाऊंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि हालांकि चार मिनट तो क्या अगर चार के कई गुने में वर्ष भी हो जाए तब भी किसी भी धर्म की व्याख्या या उसके रूपायन के लिए अवधि बहुत कम पड़ती है लेकिन कार्यक्रम के कलेवर की व्यवस्था है कि चार मिनट के भीतर आप तनिक इस्लाम की इस अवधारणा को जो कि धर्म के रूप में हम यहाँ बात करने बैठे हैं कि आस्था आडम्बर या आचरण इस परिप्रेक्ष्य में आप बताने का कष्ट करें इलियासी जी बिस्मिल्लाम कर आज के इस ज्ञानम कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अलग अलग धर्म के धर्म गुरु हमारी बहनें और हमारे बुज़ुर्ग और हमारे भाइयों वाक़ता इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए एक तो ये बात यहाँ के एहसास हुआ कि ये इस तरह के कार्यक्रम पूरे भारत में अलग अलग जगह पर होने चाहिए और चूँकि सभी धर्मों को बुलाकर आप इस तरह की धर्म को लेकर और आस्था को लेकर जो बातें या ज्ञान बांटने की आप बात कर रहे हैं वो ये बहुत बड़ा पैगाम है मैं समझता हूँ कि ये पैगाम ही नहीं ये इबादत है जो जोड़ने का काम करती है आपस में जोड़ पैदा होता है इतिहाद पैदा होता है असल में धर्म क्या है क्योंकि चार मिनट का समय आपने दिया है और चार मिनट में मुझे भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि चार मिनट में कैसे और किस तरह से बताया जा सकता है लेकिन समय की मर्यादा है धर्म वैसे तो कर्तव्य को कहते हैं ज़िम्मेदारी को कहते हैं लेकिन फिर भी अगर आस्था की बात अगर हम करते हैं तो सबकी अपनी अपनी आस्थाएं होती हैं सबकी अपनी आस्था है इस्लाम के नज़रिए में इस्लाम ये कहता है लकुम दीन उकुम वलिया दीन तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मेरा दीन मेरे लिए हमें किसी के धर्म को किसी की आस्था को कमज़ोर कहना छोटा कहना या वो सही नहीं है इस तरह की हमारे यहाँ तो धारणा नहीं है जो जिस तरह से भी उस निराकार की इबादत कर रहा है लेकिन दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है मैं बहुत इस पर रहता हूँ प्रोग्राम्स भी होते हैं कि किसी ने कहा हो कि ईश्वर दो हैं खुदा दो हैं गॉड दो हैं परमात्मा दो हैं ईश्वर दो हैं ऐसा कहीं नहीं सब ने कहा एक ही है एक ही की सब इबादत करते हैं सबके इबादत करने के तरीके अलग हैं सबको अधिकार है करें एक ही घर है एक ही घर में कोई माता काली की पूजा कर रहा होता है कोई शेरावली की पूजा कर रहा है कोई अलग अलग भगवान शिव की पूजा कर रहा है सबको अधिकार है आपस में अख्तिलाफ़ तो नहीं है लेकिन उसकी आस्था है वो इसी तरह से इस्लाम के अंदर भी हमारे यहाँ निराकार जो जिसका कोई रूप कोई आकार नहीं है हम निराकार की इबादत करते हैं और उसके साथ ही जिस तरह से सनातन में वे खाल से तो आर्य समाज में भी यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह इसको अगर संस्कृत में हम इसको कहते हैं तो आप भी वही कहते हैं हम सिर्फ उसको अरबी में कहते हैं एकम ब्रह्मम द्वितीयम नास्ति इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है एक ही ईश्वर को मानते हैं एक ही परमात्मा को मानते हैं जो निराकार है ठीक है अब हम बात करें बुनियादी बात हमें जो करनी चाहिए ज्ञान तो सबके पास है।, है हर आदमी ज्ञानी है जितने यहाँ बैठे हैं हर आदमी ज्ञानी है कोई ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं ये अज्ञानी है ऐसा कुछ नहीं है सब बड़े बड़े ज्ञानी हैं ईश्वर ने परमात्मा ने हम सबको भेजा है और अब आपको भेजा है हमारे दीपक जी को भेजा है दीपक जी जिस धर्म में पैदा हुए जिस माँ बाप से पैदा हुए दीपक इनको नाम मिला देश इनको भारत मिला क्या ये दीपक जी की चॉइस थी क्या क्या आप में से किसी की चॉइस है ये कि हमारी किसी की चॉइस नहीं है ये ये बुनियादी बात समझने की है कि ईश्वर ने जिसको जैसे भेजा है वो उसकी उसकी अपनी उसके साथ भेजा है हर आदमी यूनिक है हर आदमी के अंदर कहीं ना कहीं मैं तो पॉजिटिव कहता हूँ कि अच्छे अच्छे गुण सभी में हैं और सभी लोग अच्छे हैं किसी को बुरा कहना किसी को कमजोर कहना मैं अपनी एक थोड़ी सी बातों को थोड़ा सा आगे ले जाना है क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ और मैंने आज का ये कार्यक्रम के लिए मैंने अपना बहुत समय निकाला है मैंने शुक्रिया मैं चूंकि भारत का चीफ इमाम हूँ और उसके नाते से मेरे बहुत प्रोग्राम होते हैं आचार्य सुशील जी महाराज के आग्रह पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ मैं बस आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ ज्ञान तो सबके पास है ज्ञान की बहुत अच्छी बात है असल में हमें एक दूसरे रेस्पेक्ट करें एक दूसरे से मोहब्बत करें यही असल धर्म है धर्म को समझना होगा जो धार्मिक लोग होंगे वो कभी किसी से नफरत नहीं करेंगे धार्मिक आदमी वो एक अच्छा आदमी कहलाता है क्योंकि उसके साथ धर्म जुड़ा है रिलीजन जुड़ी है वो बहुत कोमल होता है बहुत नर्म होता है इस्लाम में नीचे निगाह करके चलो आपके पैर से चीटी चीटा कोई तकलीफ को मर ना जाए इस्लाम हमने सबसे पहले कहा वालेकुम इसका मायना क्या है बहुत से लोग नहीं जानते इसका मायना है कि मैंने आपको सलाम कहा असलम ईश्वर परमात्मा आपको सलामत रखे मैंने दुआ करी आपके लिए आपने कहा वालेकुम सलाम आपने जवाब दिया ईश्वर आत्मा परमात्मा आपको भी सलामत रखे तो कोई भी धर्म खराब नहीं है किसी धर्म को कमज़ोर कहना या किसी उसकी उसके साथ बातें करना कि ये ठीक नहीं है ये मुनासिब बात नहीं है सब धर्म ठीक है हर इंसान ठीक है अपना अपना काम करिए बार मोहब्बत से रहिए आज मुल्क को मोहब्बत की ज़रूरत है अगर हमने इस मुल्क की तरक्की में सबको हिस्सेदारी करनी है तो भारत को मजबूत करो भारतीयता को मजबूत करो हमारे धर्म सबके अलग अलग हो सकते हैं हमारी आस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं हमारी परंपराएं अलग अलग हो सकती हैं लेकिन हम सबसे पहले हमको ये ध्यान होना चाहिए हम सबसे पहले इंसान हैं उसके बाद भारत में रहते हैं भारतीय हमें गर्व है हम भारतीय हैं और भारत को मजबूत करो भारतीयता को मजबूत करो इसी से हम सब कामयाब होंगे यही हमारा ज्ञान है और यही ज्ञान हमें पहुंचाना चाहिए किसी का घर जलता है उससे जाके पूछना मोब आया उसने किसी को पकड़ा उसको किसी का घर जला दिया किसी का मकान जला दिया ये धर्म नहीं है धर्म उसको कहते हैं जो किसी को बचाता है धर्म उसे कहते हैं जो किसी का भला करता है धर्म उसे कहते हैं जो इंसानियत की बात करता है आज असल ज़रूरत इंसानियत की है हम एक दूसरे से प्यार करें एक दूसरे का सम्मान करें मेरा आचार्य सुशील जी ये मेरे बड़े भाई हैं मेरा इनका साथ आज से संबंध नहीं है मैंने इनकी पूरी जवानी देखी है जब ये पूरे जवान हुआ करते थे मैंने इनकी जवानी देखी है मेरा पुराना रिश्ता इनके साथ है और आज मैं उसी रिश्ते से मैं छोटा भाई हूँ इनका और ये मेरे बड़े भाई हैं उस रिश्ते से हम आज भी हैं मेरे बगल में ये मेरे भाई ये हिंदुस्तान की छोटी मोटी हस्ती नहीं है हिंदुस्तान की जो क्रिश्चियंस काउंसिल है आप उसके सेक्रेटरी जनरल पूरे हिंदुस्तान की पूरी क्रिश्चियंस के अब आज इन्होंने भी समय निकाल के आप हमारे आहूजा जी हैं इनको मैंने देखा था मुझे ए, मैं इस ये मौका नहीं है लेकिन मैं इनसे भी यही कहूँगा कि आप अलवर में रहते हैं आपने जो पैगाम टीवी पे दिया था वीडियो में था तो अच्छा पैगाम नहीं किया था आपका आपका ये पैगाम जाए कि ये भी मेरे अलवर के भाई हैं जो मरा है ये भी मेरा भाई है जिसका कत्ल हो रहा है हमें इंसाफ की बात करनी चाहिए जब जिस दिन हम इंसाफ की बात करेंगे इंसानियत की बात करेंगे वही हमारा धर्म है उसी में हम सबको कामयाबी मिलेगी मैं बहुत लंबा नहीं कहूँगा बहुत मुख्तसर कह के अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ इन बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी हम आप ये मत समझिए कि आप लोगों से अगर चार चार मिनट की गुफ्तु हो गई है तो यहाँ पर सिलसिला ख़त्म हुआ है सिलसिला यहाँ से शुरू होता है इसलिए हम और बातें करेंगे और मुद्दे आएंगे लेकिन ये आपकी बात जो है बड़ी उल्लेखनीय बात है कि राष्ट्र सर्वोपरि है धर्म उसके बाद की बात है हम इससे संबंधित कई और बातें भी करेंगे लेकिन फिलहाल मेरी ड्यूटी है मेरा कर्तव्य मेरा फर्ज है कि मैं आगे बढ़ूँ और बिशप साहब आपसे अनुरोध करूँगा कि हालांकि अगर आप चार मिनट को क्रॉस करेंगे तो मैं तो आपका आदर करते हुए चुप ही रहूँगा लेकिन लेकिन मेरा यही निवेदन है कि चार मिनट की अवधि में आप थोड़ा सा ईसाइयत की अवधारणा में धर्म आस्था आडंबर या आचरण इसका एक संक्षिप्त सा भाग कह दें मुझे चार मिनट दिए हैं चार मिनट ही बात करूंगा आ, मैं आ, दीपक गोस्वामी जी को धन्यवाद देता हूं और आचार्य सोशल गोस्वामी जी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ मौका दे दिया आप लोगों से बात करने की आस्था अदम्बरा आचरण मैं ईसाई धर्म के नाम पे बात कर रहा हूँ प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि धर्म न सिर्फ ज्ञान की लेकिन दिल की भी बात होती है दोनों साथ साथ चलना चाहिए ज्ञान और दिल जब दोनों मिलते हैं प्यार का धर्म बन जाता है और इसलिए आस्था ये है कि हमारा रिश्ता ईश्वर से है वो हमारा पालन पोषण करता है हमें बनाए हैं और हमें एक दूसरे को भाई बहन बनाए हैं हमारा अदम अदंब, आदमरा यहाँ से ही आता है हम प्रभु से प्यार करें एक दूसरे से प्यार करें और सेवा करें इसलिए ईसाई धर्म भारत में चौपन हजार स्कूल चला रहे हैं कई गरीब गरीब जगहों में सिर्फ इसलिए कि हम सेवा करने चाहते हैं प्यार करने चाहते हैं देशभक्ति हमारी सेवा के द्वारा है और थोड़ा सा आचरण भी होता है दिल में प्यार होता है तो प्रभु की सेवा करते हैं प्रभु से प्रार्थना करते हैं गिरजा होते हैं जैसे टेम्पल होते हैं जैसे मॉस्क होते हैं वैसे चर्चेस भी होते हैं वहाँ जाके प्रभु से प्रार्थना करते हैं गीत गाते हैं लेकिन चार मिनट होने वाले हैं आखिरी बात बताता हूँ धर्म प्रभु का प्यार करने वाला धर्म होता है दूसरों की सेवा करने वाले होते हैं दूसरों का सम्मान करने वाले होते हैं और एक दूसरों को भाई बहन जैसे जीने के लिए सिखाता है वो ही सही धर्म होता है धन्यवाद धन्यवाद बिशप जी आपने समय का इतना ख्याल रखा घड़ी का सम्मान रखा क्योंकि वक्त की मेहरबानियाँ जब आदमी को निहाल कर सकती हैं तो वक्त की नाराज़गी आदमी को बेहाल भी और बदहाल भी कर सकती इसलिए साहिर साहब ने कहा था बरसों पहले कि आदमी को चाहिए कि वक्त से डर कर रहे जाने कब किस घड़ी में वक्त का बदले मिजाज तो चलिए अब मैं उसी वक्त का लिहाज करते हुए उसी समय का सम्मान करते हुए मेरे इस तरफ में आ जाता हूँ निर्मला जी से मैं ये चाहूंगा कि चूंकि हमने तीन धर्मों के तीन प्रतीकों को यहाँ उस रूप में हमने बात की और उनसे जानने की कोशिश की लेकिन आप दोनों को जैसा मैंने कहा था मैं उन दायरों से मुक्त करके और फिर निवेदन कर रहा हूँ तो वही चार मिनट की अवधि आपके लिए भी आदेश करें सम्मानित ओजस्वी मंच कर्मी विद्वान एवं सभी चैतन्य जागृत प्रकाश बिंदु मेरे लिए अपने इतने प्रबुद्ध व्यक्तित्वों को सुनना बहुत ही अविस्मरणीय अनुभव है इसे मैं सदैव याद रखूँगी देखिए अगर जे आपसे कहा जाए कि ईश्वर को परिभाषित करिए आप कैसे परिभाषा देंगे ईश्वर को तो आप कहेंगे कि वो रोशनी जो पूरी कायनात में फैली है या वो प्रकाश वो ऊर्जा जो संपूर्ण ब्रह्मांड में यत्र तत्र सर्वत्र बिखरी है और हम क्या उस ऊर्जा का कण, उस प्रकाश का अंश या उस रोशनी का कतरा तो इससे बात तय हो जाती है कि ईश्वर न हिंदू है न मुस्लिम है न सिख है न ईसाई है क्योंकि ईश्वर अविभाज्य प्रकाश है जैसा कि हमारे आचार्य श्री ने भी कहा कि ईश्वर या आवाज़, अविभाज्य प्रकाश है तो उसको तो दशों दिशाओं में अपनी प्रतिष्ठा चाहिए अपनी प्रतिस्थापना चाहिए तो उसने परमपिता ने हिंदुओं के लिए इबादत इबादत के लिए पूर्व दिशा निर्धारित की कि आप प्रार्थना करिए मुस्लिम्स को पश्चिम दे दी क्रिस्तान को चर्च दक्षिण में जाना होता है और जुरुथ जो है उत्तर में अग्नि जलाएगा तो बात मुझे मैंने बचपन में पढ़ा था राजा राम मोहन राय हमारे स्कूल चैप्टर में होते थे तो उन्होंने कहा था एक जगह कोर्ट है कि गाय भिन्न भिन्न रंग की हो सकती हैं काली भूरी सफेद लेकिन जो उनका दूध है वो एक ही रंग का होता है इसी तरीके से धर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं पर उनका सार एक ही है धर्म माने ऐसा इथिकल इंस्टीट्यूशन या ऐसे नैतिक नियमों को संस्था जिसको हम अपनाकर जो है दो पैरों के जानवर से इंसान बनते हैं अगर ये धर्म ना होता तो हम इतने अनुशासित नहीं होते और जो सभ्यताओं का विश्व सभ्यताओं का हम इतना चर्म उत्कर्ष देख रहे हैं वो ना होता और अगर जे हो गए मेरे चार मिनट दो तो, क्योंकि ये सेंटेंस पूरा कर देती हूँ मैं कि अगर ये धर्म ना होता तो इतना चर्म चर्मोत्कर्ष भी नहीं देखते हम इसके अतिरिक्त हम सर्वत्र जंगल राज फैला होता उसकी बीवी मेरी बीवी में फर्क नहीं रहता एक दूसरे से छीना झपटी करके खाते तो धर्म की अवधारणा ही उससे हुई कि हम इंसान बने इंसान बने धन्यवाद निर्मला जी और अब इस क्रम में एक एक करके जो मुखातिब होने का क्रम है उसमें आखिरी तौर पर मैं चाहूंगा कि माइक ज्ञानदेव जी अपने हाथ में लें और ज्ञानदेव जी मेरा जो निवेदन है मैं ये आपका जो राजनेता वाला व्यक्तित्व है उससे भी कुछ सवाल करूंगा आगे के क्रम में लेकिन फिलहाल इतना जानना चाहूँगा कि एक बतौर सामाजिक जो प्लेटफॉर्म है जो मंच है वहाँ सक्रिय व्यक्ति के रूप में धर्म को आप आस्था आडंबर या आचरण इनके रूप में देखेंगे तो क्या कहना चाहेंगे प्रारंभिक रूप से ज्ञानम ज्ञान का मर्म और जब ज्ञान का मर्म है तो मैं हिंदू धर्म पर आता हूँ अब चूँकि समय चार मिनट है धर्म वो जो धारण किया जाए हिंदू विश्व में दुनिया में वर्ल्ड में एक ही धर्म है वो सिर्फ हिंदू बाक़ी सब सम्प्रदाय पंथ मज़हब विचार या रिलीजन है ये बिल्कुल स्पष्ट धारणा समझें धर्म वो जो धारण किया जाए पितृधर्म मातृधर्म पड़ोस धर्म पत्नी धर्म धर्म की व्याख्या हमारे यहाँ पूजा पद्धति और इबादत नहीं है जैसा मौलाना साहब ने कहा हमारे यहाँ हजारों पूजा पद्धति है टीका यों लगाओ यों लगाओ चोटी रखो मत रखो ये सब हमारी सब विशेषताएं हैं और हमारी विशेषताओं में हिंदू धर्म में चार पॉइंट हैं वेद पुराण स्मृति और हमारे आगे के ग्रंथ जैन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब या कई सारे ग्रंथ उन पुस्तकों में आध्यात्म तो है धार्मिकता है लेकिन हिंदू धर्म क्या उसके चार पॉइंट में आपको गनाता हूँ सबसे पहले दुनिया में चौरासी लाख जोड़ियाँ जो हमारे लाखों वर्ष पहले ऋषि मनुष्यों ने शोध किया जो आज डिस्कवरी चैनल और ज्योग्राफिकल चैनल पर आ रहा है चौरासी लाख जोड़ियों में सबसे पहले मनुष्य सारे मनुष्यों की पूजा नहीं हो सकती तो महापुरुषों की पूजा भगवान श्री राम और कृष्ण महावीर या बुद्ध गुरु गोविंद सिंह या गुरुनानक देव मोहम्मद साहब भी हो सकते हैं ईसा मेह भी हो सकते हैं एक पॉइंट दूसरा पॉइंट इसके बाद चौरासी लाख जोड़ी में जोड़ी रह गई हमने गाय को माँ कह करके और माँ का हमने वैज्ञानिक कारणों से हिंदू पूरा फिलोसफी पूरी मेथ्रोलॉजी विज्ञान है साइंस है इसलिए इस बात को समझने को इबादत नहीं है हिंदू हिंदू एक धर्म है पांच हजार सात संप्रदाय हिंदुओं में है पांच हजार सात उसकी भी गिनती आज समय नहीं है मैं आपको बताऊंगा दूसरा पॉइंट हुआ हमने गाय माता को और प्राकृतिक कारणों से वैज्ञानिक कारणों से माना तीसरा पॉइंट हुआ उसके बाद हरियाली हमारे ब्राह्मण देवता हमारे ब्राह्मण देवता गुठली बना करके हमारे हाथ हस्त प्रक्षालन करवा के तो हमने धूप की पूजा की है हमने एक पौधे को तुलसी को भी माँ का है यह देश माँ की संस्कृति है गंगा माता गीता माता गाय माता धरती माता और हम को जन्म देने वाली माता माँ की कल्चर है और माँ पर कोई अत्याचार करेगा तो उसको हम सहन नहीं करेंगे माँ से कोई बदतमीजी करेगा गाय हमारी माँ है इसलिए मैं उस मामले में बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ मैं धार्मिकता के साथ में राजनीति राजनीति तोड़ती है जोड़ती नहीं है लेकिन मैं धार्मिकता के कारण गाय माता पर कोई अत्याचार हुआ तो तीसरा पॉइंट है इसके अलावा और हरियाली के अलावा रह गया जड़ और चेतन हमने पत्थर लिया पत्थर को और घड़कर मूर्ति बनाई प्राण प्रतिष्ठा की मंदिर में पधराया हमारे माताएं बहने कलश यात्रा निकाल कर और प्राण प्रतिष्ठा हमने पत्थर तो कोई पूजा है हिंदू किसके खिलाफ है हिंदू किस ईसाइत के खिलाफ है हिंदू किस मजहब मुसलमान के खिलाफ है हिंदू किसी मजहब पारसी के खिलाफ नहीं है मुसलमान के खिलाफ नहीं है किसी ईसाई के खिलाफ हमने इन चार पॉइंट की जो विशेषता है इसकी लंबी व्याख्या है वो चार मिनट में हो नहीं सकती है इन चार पॉइंट को माना इसलिए हिंदू की विशेषता है कि प्रकृति को पूजता है सृष्टि को पूजता है वृष्टि को पूजता है पानी को देवता को कहा मां मा का गंगा मैया जमुना मैया और हमने पर्वत को देवता का, हमने एक गाय को जीव को जानवर को माँ कहा हमने एक पौधे को तुलसी को माँ कहा इसलिए हिंदू की जो व्याख्या है वो अपने आप में सुप्रीम कोर्ट ने भी की है हिंदू यहाँ की नेशनलिटी है हिंदू यहाँ की राष्ट्रीयता है प्रत्येक मुसलमान भी हिंदू है प्रत्येक ईसाई भी हिंदू है प्रत्येक पारसी भी हिंदू है प्रत्येक सिख भी हिंदू है प्रत्येक जैन भी हिंदू है प्रत्येक बौद्ध भी हिंदू है इसलिए हिंदू हिंदू की व्याख्या बहुत बड़ी है उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है राजनीतिक कारणों से नहीं कह रहा हूँ मैं शुद्ध धार्मिक कारणों से कह रहा हूँ धार्मिक आदमी हूँ राजनीति में बाद में हूँ भगवा दोपट्टा रखता हूँ आज वो अलवर रह गया इसलिए नहीं बोलना मैं वहां भगवा दोपट्टे में ही रहता हूँ राजनीति से परे धर्म की जय हो हिंदू धर्म की जय हो इस नाते से बाकी समपंथों की भी जय हो जय धन्यवाद देखिए अभी मैं मंचस्थ महानुभावों से निवेदन कर दूं कि क्रमशः बात करने का सिलसिला तो यहाँ खत्म हो जाता है लेकिन अब जो है मैं आपके हुजूर में आपके आपसे निवेदन करूँगा कुछ प्रश्न उन प्रश्नों के लिए आवश्यक नहीं कि एक व्यक्ति पूरी बात बोलेगा तभी कोई दूसरा आप चाहें तो उस बात को जहां रोकना चाहें रोक सकते हैं आप में से कोई भी उस बात को लपक सकता है अगर मैं किसी व्यक्ति विशेष से निवेदन करूं तो उसकी बात के बीच में भी आप अपनी बात रख सकते हैं या अपना आगे का जो एक शिष्टाचार रहेगा इसकी व्यवस्था रहेगी अभी ज्ञानदेव जी ने एक बात कही और वो ये बात कही है कि राजनीति तोड़ती है धर्म जोड़ता है अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे हालांकि दूसरा मिसरा पहला मिसरा यह कि जो उनका है वो अहले सियासत जाने और अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे लेकिन मैं मंचस्थ महानुभाव आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे सभी ने बातें की बड़ी प्यारी बातें सुनने में सुनने में बड़ी प्यारी बातें लगती है जिस किसी भी धर्म की आप किताब उठाएं भले ही वो चाहे एक हो कि अनेक किताबें हो, आप उनको पढ़ें हम उन्हें पढ़ें तो हमें उसमें बड़े अच्छे अच्छे सिद्धांत मिलते हैं बड़ी प्यारी बातें मिलती है हम मंदिर जाते हैं और मंदिर जाकर जब घंटी बजाते हैं वहाँ जब झुकते हैं मस्जिद जाते हैं हम जब वहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है या गिरजे में जाते हैं और यीशु के सामने खड़े होकर कई बार आंखों में आंसू भी आ जाते होंगे किसी आदमी का हाथ जोड़ लेते तो वो क्षण तो ऐसे लगता है जैसे हम पवित्र आत्माओं का चरमोत्कर्ष है इससे आगे अब कुछ नहीं बचा लेकिन ये क्या हो जाता है कि जब हम वहाँ से बाहर निकलते हैं जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो फिर वो एक जहर कहाँ से आ जाता है वो आचरण में अगर आस्था का इतना पवित्रता का बाना हम धारण किए रहते हैं तो उसके बाद में बिल्कुल माइक आपके पास होगा तो उसके बाद में ये कौन सा कीड़ा हमारे अंदर घुस जाता है कि हम जो आचरण में कुछ और बन जाते हैं क्या ये आडंबर नहीं है भाई साहब पहले तो मैं धर्म आचरण है आस्था है और फिर आडंबर क्या है इस पे दो मिनट बोल दो देखिए धर्म हमारे जन्म समय से निर्धारित हो जाता है और वो आचरण है है ना क्योंकि हम जैसा कि पहले भी कहा जा चुका कि धर्म हमारे आ, मर्जी से तो होता नहीं है ना हिंदू या मुस्लिम जो भी आपके कहने का मतलब है का धर्म नहीं है, नहीं, नहीं है देखिए धर्म हमको सहजता से प्रकृति ने क्योंकि हमने बनाया ना धर्म प्रकृति ने दे दिया और हमने उसको आचरण रूप में अपनाया कि, कि सब धर्मों की बात कर रही हूं मैं कि आप जो है अपने बड़ों को बुजुर्गों को सम्मान देंगे ना इंसानियत की चीज है ना तो आदाब करिए मुस्लिम होगा तो हिंदू है तो अपना नमस्कार करिए या जो भी हमारी प्रार्थना की टेक्निक है वो हम जन्म से ही आदत हो जाती है जैसे घुटने चलना शुरू होता है बच्चा कि बड़ों का रिगार्ड करना है पड़ोसियों को प्यार करना है जीवों को नहीं सताना है सब धर्म यही कहते हैं तो धर्म एक आचरण है क्योंकि ऐसा इथिकल इंस्टीट्यूशन है जो कि हम अपना के दो पैर के जानवर से इंसान बनते हैं तो धर्म आपके आचरण में जब आप पैदा होते हैं निर्धारित हो गया जैसे जैसे आप बड़े होते आपकी समझ बढ़ती है कि प्रार्थना जो है वो हम रोज करते तो वो आस्था में बढ़ते निर्मला जी मैं मैं मूल रूप से मेरा प्रश्न यही है कि ये सैद्धांतिक रूप आप, से सब धर्मों ने रखा है मैं आपको थोड़ी सुन लीजिए मेरी दो मिनट बाद फिर वो जो है आस्था में तब्दील होती है वो प्रार्थना धीरे धीरे वो प्रगाढ़ होती जाती है आस्था जो है वो हमको सक्रिय जीवंतता देती है सजीवता देती है आस्था के बूते पे, इस धर्म के बूते पे ही हम सोचे कि सकारात्मक सोच रखते हैं और मंदिर या गुरुद्वारे या मस्जिद जहाँ भी जो हमारी आस्था का प्रतीक है उसके अनुसार सफल जीवन व्यतीत करते हैं समग्र रूप से जीते हैं और यही मैं आपको अब टोकूंगा बिल्कुल अब टोकना पड़ेगा मुझे क्योंकि मैं जो यहां कहना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि बाकी लोग भी अगर विचार रखना चाहें तो प्रतीक्षा ना करें कि कोई अपनी बात पूरी करे आप बीच में बोल सकते हैं लेकिन मैं निर्मला जी को क्षमा प्रार्थना के साथ इसलिए टोकना चाहूंगा देखिए ये जो आप बात कर रही हैं सारी की सारी बातें सैद्धांतिक बातें हैं जिस बच्चे को किसी भी मजहब का किसी भी धर्म का सुनिए किसी भी मजहब का किसी भी धर्म का बच्चा हो अगर जिस बच्चे को घर में ये सिखाया जाता है कि बड़ों का सम्मान करो वो ट्रैफिक चौराहे पर जाता और अपने से बड़ी उम्र के

उस पे जो सवाल है मेरा कहना पे यही एक है कि हम गीता को मानते हैं गीता की नहीं मानते हम कुरान को मानते हैं कुरान की नहीं मानते राम को मानते हैं राम की नहीं मानते मोहम्मद को मानते हैं मोहम्मद की नहीं मानते जब हम करने वाले जिस दिन बन जाएंगे ना तो अपने अंदर धारण कर लेंगे ना so तो, तो सब तो सब चीजें अगला सवाल आपसे ही है कि मैं अब आपकी इसी बात को लेकर ये कहूँ कि कुरान शरीफ में और इस्लामियत में और मोहम्मद साहब के जरिए जो प्रवचन है जो संदेश है उनमें महिला के सम्मान की बात तो कही गई है ना यकीनन यकीनन कही गई है ना तो अब आप मुझे ज़रा ये बताइए कि हम एक बात ये करते हैं बात हिंदुस्तान के मुसलमानों की ही नहीं है तमाम दुनिया भर के मुसलमानों की है तो फिर ये बताइए कि कुवैत का एक सांसद अपने साथ की महिला से कहता है इत्र लगाने वाली सदस्य के पास नहीं बैठूंगा क्योंकि मेरा इस्लाम भ्रष्ट होता है इत्र लगा के मतलब लगा के बैठने वाली अपने साथ की सांसद जो संसद सदस्य है उससे प्लीज वो ये कहता है कि इत्र लगाने वाली सदस्य के पास नहीं बैठूंगा क्योंकि मेरा इस्लाम भ्रष्ट होता है देखिए हर आदमी को आजादी है किसके साथ बैठे या ना बैठे अब उनका पर्सनल मामला है कि वो उसको खुशबू बदबू में लग रही है तो वो वो जाने अब हमें खुशबू लग रही है तो हमको अच्छा लगेगा हम जाने ये इस्लाम इस का इसके दृष्टिकोण से ये कहना है अनपढ़ नहीं है एक मिनट ज्ञान देव जी मैं सी जी जी के पास ही जाऊंगा चलिए ये बात तो आप ये कह सकते हैं कि साहब वो एक सांसद है और राजनेता है और उसने व्यक्तिगत स्तर पर उस बात को ले लिया मौलवी तो राजनेता नहीं होते मौलवी तो जिम्मेदार इस्लाम के सिपाही होते हैं एक बच्ची ने रियलिटी शो में गाना क्या गा लिया छियालीस मौलवियों ने फतवा जारी किया उसके पास सामने उसके खिलाफ के अल्लाह नाराज होंगे छियालीस मौलवियों ने फतवा जारी किया ये क्या क्या ये आचरण में आडंबर नहीं है देखिए इस्लाम में गाना बजाना नाच गाना ये हमारे यहाँ ममनू है

कि आप जैसे सजग लोगों को जिम्मेदार लोगों को जो इस्लाम के संरक्षक हैं उन्हें एक फतवा ये भी जारी करना चाहिए कि मोमिन मुस्लिम लोग ऐसी मज़ारों दरगाहों और मकबरों पर ना जाए देखिए मकबरों पर पहली बात तो ये समझना होगा कि दरगाह क्या चीज़ होती है दरगाह जो है एक मज़ार है एक संत का स्थान है वहाँ पर पहली बात तो हमारे यहाँ उससे मांगा नहीं जाता मांगा जाता ईश्वर से वहाँ जाते हैं लोग एक आस्था है कि वहां एक पॉजिटिव एनर्जी है उसको लेके चले आते हैं लेकिन अगर वहां कव्वाली हो रही है गाना बजाना अगर, हो रहा है तो उसके तो लिए हमें नहीं, नहीं हमारे यहाँ उसके लिए मना है पाबंदी के साथ मना है, है? और इस पर बाकायदा बाजाबता कहा गया है तो आप लोग क्या और बहुत सारी दरगाहों पे रुक गया है। तो है, बहुत सारी दरगाहों पे ये पर अभी यहां बैठकर एक नाम लूंगा तो फिर वही हो जाएगा कि हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है लेकिन मेरा निवेदन ये है फिर आप जैसे सजग जागरूक और इस्लाम के संरक्षण इकट्ठा होकर के ये फतवा जारी क्यों नहीं करते कि वहां न जाए वहां जाना आराम है देखिए पहली बात तो समझना होगा फतवा फतवा का मायना क्या है आमतौर पर फतवा जो है वो आदेश नहीं होता फतवे के मायने राय के होते हैं और फतवा जो दिया जाता है वो एक राय होती है कि भाई ये इस तरह की इस्लाम के तरीके तौर तरीके के मामले में ये एक एक राय है है आदेश नहीं चलिए मैं 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 और हमने जहां तक शार 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 कुछ कहना चाहते हैं मौलाना साहब हमारे बुजुर्ग हैं और मेरा निवेदन ये है कि आपने कहा इस्लाम में गाना बजाना संगीत जो है वो मजहब या धर्म के विरुद्ध है आप धर्म कहते हैं हम उसको मजहब कहते हैं क्या इस्लामिक देशों में फिल्में नहीं चलती वहाँ गाने नहीं बजते नहीं बजते क्या पाकिस्तान में हीरो हीरोइन नहीं है वहाँ फिल्में चलती हैं वहाँ संगीत है वहाँ गीत है। इसका मतलब कि मानते हैं ज्ञानदेव जी माफी मैं पूरी दुनिया पूरी दुनिया कि पाकिस्तान इस्लामी देश नहीं, नहीं है नहीं, नहीं ये मैं मैं पूरी दुनिया दुर्य। ईरान में ईरान में ईरान ने मना किया और आज उनको महिलाओं को गाड़ियाँ चलाने के लिए हो गया अब पाकिस्तान में अभी एक ने हमारे विराट कोहली की प्रशंसा कर दी और उसको सजा हो गई एक ने हिंदुस्तानी गाना गा दिया गाने वहाँ चलते हैं पहले बहुत चलते थे राज कपूर के गाने चलते थे दिलीप कुमार के चलते थे फिल्मों के आज गाना गा दिया हिंदुस्तानी गाना तो उसको सजा हो गई तो आप ये सहनषुता किस ढंग की ये आस्था नहीं है ये आडम्बर है और दिखावटी सजावटी और बनावटी कहना चाहते हैं हाँ। जी हम सुनिए हम बाद में अभी कुछ देर बाद में प्रश्न प्रश्न का सत्र करेंगे नहीं टॉपिक नहीं बदलेगा आप लोगों के प्रश्न आमंत्रित होंगे और यहां से जवाब दिया जाएगा चिंता मत कीजिए जी बहुत अच्छी बात कही जोड़ने की बात करी है इन्होंने आप आप तसल्ली से सुकून के साथ में बैठिए और पूरी चीज जो है वो देखिए किसी सुनिए अगर आप एकांगी एक होकर एक ही अंग को एक ही अंश के आधार पर निर्धारण करेंगे तो अनुचित होगा आप आराम से बैठिए और जो हो रहा है उसे एक बार देखिए सुनिए ना ना चिंता मत कीजिए ये जो यहां लोग बैठे हैं हिंदुस्तान के बहुत जिम्मेदार लोग हैं जो आपकी चिंता है उससे ज्यादा चिंता इस देश की इन्हें है इस समाज की इन्हें आपसे ज्यादा चिंता है आप चिंता मत कीजिए ये पथ भ्रष्ट करने वाले लोग नहीं है पथ दर्शक लोग हैं पथ प्रदर्शक लोग हैं ये इनसे इतना तो विश्वास रखिए का जी आ, कारण क्या है देखिए हलाहल के बाद में अमृत मिलेगा अमृत चाहते हैं तो हलाहल को सामने देखिए और झेलिए अमृत बाद में आएगा पहले अमृत नहीं आता है जी जी मंच की तरफ धन्यवाद धन्यवाद हम बाद में आपकी तरफ आएंगे जी जी जी। मंच, बिशप थोड़ा सा वापस जाना चाहता हूँ जो सवाल आपने पहला पूछा था धर्म सारे धर्मों में इंसान होते हैं और इंसान कभी मजबूत होते हैं कभी कमजोर होते हैं सारे धर्मों में किसी धर्म को निकाल के किसी धर्म को निकाल के हम उस धर्म पे बहुत प्रश्न पूछ सकते हैं ये किया जाता है वो किया जाता है कमजोरियां भी होती हैं और मजबूत एरियाज भी होते हैं इसलिए धर्म ऐसा होना चाहिए जो आदमी को अच्छा बनने के लिए सिखाता है वो तो सब धर्मों में प्रावधान है हम आता हूँ आता हूँ आपके जी। हम सबों में बुराई होती है और अच्छाई होती है कभी कभी धर्म के नाम भी ये अच्छाई बा, 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 बाहर आती है और बुराई भी बाहर आती है दर्द धर्म के नाम में किसी के सिद्धांत के नाम पे किसी को मारना एक गलत है ये कोई धर्म नहीं सिखा सकता है बस मैं आपकी इसी बात से जुड़ी बात कह रहा हूँ और इस तरफ आ जाऊँगा देखिए जैसा आपने कहा कि हर धर्म के लोगों में बुराई भी है और अच्छाई भी है कभी अच्छाई बाहर आती है और कभी बुराई बाहर आती है मेरे जो यहाँ प्रश्न मन में उठ रहे हैं जो मैं इनके प्रतिनिधि के रूप में प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ उसका मूल मंतव्य उसका जो मूल आशय वो यही है कि भाई देखिए आप लोग जो हैं वो धर्म विभूतियाँ हैं आप उन धर्मों में बहुत अच्छा प्रभाव और अपना दबदबा रखते हैं तो आप जैसे लोग अगर वो जो बुराइयां हैं या जो लोगों के अंदर बुराइयां जो बुरे लोग हैं उनको प्रक्षालन करके अगर अच्छों में बदले तो आपकी भूमिका बहुत प्रमुख रहेगी ना कभी हम जो बुराई है उसको सहायता कभी नहीं देंगे दर्द से बुराई सहायता नहीं सीधा बोलता हूं। बुरे लोग जो है आप क्या प्रक्षालन करके उनको अच्छे में नहीं बदलना चाहेंगे ने उनको हमारा धर्म का काम यह होता है और धार्मिक लोगों का काम यह होता है कि खुद अच्छी तरह से जिए और दूसरों के अच्छी तरह से जीने के लिए सिखाए जो, जो समाज में बुराइयां हैं जो आदमी में बुराएँ इंसान में बुराएँ हैं उनको हम कट्टर निंदा करते हैं लेकिन कभी आदमी इतना कमजोर होता है कि करते जाता है इसका मतलब नहीं है कि हम उसका आ, आ, स्वागत करते हैं जो करते हैं उसकी निंदा करते हैं देखिए मैं जो कहना चाहता हूं, उसको आप थोड़ा यूँ समझें कि यदि आप जैसे जो लोग आप हैं इलियासी जी हैं सुशील जी महाराज हैं आप जैसे लोग जो हैं उनका बाना उनका पद उनका दायित्व वो सब धर्म में धार्मिक समय्यूहन में एक खास स्थान रखता है तो एक तो यह होता है कि हम जैसे आप जैसे जो लोग सिर्फ प्रवचन तक सीमित रहे कि धर्म ऐसा होता है धर्म ऐसा लेकिन समाज में अगर कहीं कुछ गलत होता है तो सामाजिक संगठनों को सामाजिक लोगों को सही की प्रेरणा सक्रिय भूमिका समाज में वो क्या नहीं होनी चाहिए मैं सुशील जी से यह प्रश्न करना चाहूंगा कि क्या धार्मिक लोग जो धर्म के पद पर है जो मठाधीश है जो बड़े बड़े पदों पर धर्म में है क्या उनकी भूमिका सिर्फ इतनी है कि चढ़ावा आए इकट्ठा करो माल खाओ माल कमाओ मजे करो अच्छा प्रवचन दो क्या यही सीमित रह गए ये खुद सोने के सिंहासन पर बैठ कर कहते हैं बोहुमा त्याग दो यानी हमें दे दो बहुत सुंदर प्रश्न आपका है और आज इस तरह का वातावरण भी है धर्म और धर्माचारी दोनों में अंतर है धर्माचारी क्या आचरण करता है उसका असर भी उसके धर्म पर उस समाज पर पड़ता है और धर्म की जो व्याख्या है वह आखिर में जाकर एक ही ईश्वर के ऊपर समाप्त होती है अभी गाने बजाने की बात हो रही थी मैं इसके बारे में सोच रहा था क्योंकि आप भी एक बुद्धिजीवी हैं मैं भी एक कलाकार रहा हूं गाना बजाना भी एक इबादत है हमारे धर्म में गाने बजाने को शास्त्रीय संगीत कहा गया है और जितने भी रागों की उत्पत्ति हुई है वो किसी न किसी देवी देवता के नाम पर आज भी जाना जाता है जी कला संस्कृति और समाज ये अलग अलग चीज़ें हैं और संस्कार धर्म एक होता है भाषा अलग होती हैं देश और एक जाति अलग होती है मैं कभी कभी ये देखता हूँ धर्म हमारे अलग हो जाते हैं हम अरबी में बोलते हैं और वेस्टइंडी वेस्टइंडीज में मैं जाता हूं जो भारत मूल के हिंदू हैं वो अंग्रेजी में आ, अपने धर्म की व्याख्या करते हैं हिंदू धर्म की व्याख्या करते हैं अर्थात वह हिंदी नहीं जानते हैं मगर अपने धर्म को जानते हैं बात इस बात की है कि रूढ़ीवादिता जो किसी भी धर्म में उत्पन्न हो जाती है उसको तोड़ने की आवश्यकता है आज इस भारत में जो वातावरण बन रहा है वो इसी किस्म का है कि भारत को कितने टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है आज कोई भी ये कोशिश नहीं कर रहा कि धर्म के नाम पर संस्कृति के नाम पर संस्कार के नाम पर इस देश को वापस एक किया जाए हम अपने बहुत छोटी छोटी बातों को छोड़कर भारत के भविष्य की भारतीयता की बात सोच सके ऐसी बात नहीं आ रही है। सुशील जी महाराज मैं अब यहाँ एक बात कहना चाहूंगा पहली बात तो ये है कि ये भूमिका निभाने से जैसे बिशप जी ने जो कहा उनके कहने से तो एक तस्वीर ये बनती है कि भाई जो धार्मिक लोग हैं धार्मिक मतलब जो धर्म प्रमुख पदों पर हैं वे प्रवचन दें अच्छी बातें कहें अच्छे के लिए कहें लेकिन जो सक्रियता समाज में जैसे आप जो कह रहे हैं कि अगर आज धर्म से धर्मांत होकर ही सही एक ये चीज आगे कि हिंदुस्तान के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं ये टुकड़ा करो जो गैंग है तो ऐसे जो लोग पथभ्रष्ट हो गए हैं तो उनके बीच में जाकर के उन्हें धर्म का सही मंतव्य समझाना अब मैं दूसरी बात और कहता हूं आपने एक बात कही कि जो संगीत है वो शास्त्रोक्त है और ईश्वर का संदेश है यहां पर दो परस्पर विरोधी बातें आ गई है आपके बगल में बैठे इलियासी जी ने स्पष्ट कहा है कि भाई ये जो संगीत है ये हराम है लेकिन आप दोनों से ये बात मैं बाद में करूंगा पहले मैं यहां आ जाता हूं मैं, मैं ज्ञानदेव जी यही प्रश्न आपसे आपसे करने जा रहा हूं आपके ही कार्य की बात है कि देखिए सिद्धांत के रूप से सबको अच्छे अच्छे सिद्धांत बताए जाते हैं इससे ना आपको इनकार होगा ना मुझे है ना आपको है लेकिन ज्ञानदेव जी जिस क्षेत्र में है और जहां जनता के बीच रहते हैं और उनके सुख दुख के बीच में जाकर के जिस तरीके से बरसों से संघर्ष करते आए ज्ञानदेव जी मेरा मूल प्रश्न आपसे ये है कि जैसे आपको मुखातिब करते हुए शुरू के सिलसिले में इलियासी जी ने कहा था कि आपका जो फला फला बयान था मैं उसको गलत मानता हूं इंसाफ तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही और उस बात से किसी को इनकार नहीं है कि इंसाफ सबको मिलना चाहिए ये देखिए बड़ी मीठी बात है इंसाफ पर सबका हक है पहले पता चलना चाहिए कौन निर्दोष है लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो मीठी सैद्धांतिक बात है इसके परखच्चे जब धरातल पर उड़ते हैं मेरा यह कहना है धर्म या पंथों में मजहबों में टकराव क्यों है भगवान श्री राम का रामचंद्र मानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा उससे पहले भी रामायण बाल्मीकि रामायण और कई रामायण है और संपूर्ण रामायण का निचोड़ है जो हम सबको यहाँ बैठे हुए भी और हम सब लोग मंच पर भी मंच पर कोई विद्वान हम नहीं है आप लोग कम विदुषी और विद्वान नहीं है आप लोग भी बहुत विद्वान हैं सभी देवी और सज्जन रामायण का एक निचोड़ है उसके हिसाब से हम लोग सब अगर आचरण करें निर्मल मन जन मोहे पावा मोहे कपट छल छिद्रन भावा अगर हमारा निर्मल मन है और छल कपट से परे है और छल कपट से परे है तो निश्चित रूप से फिर हमारा टकराव नहीं है अब इन्होंने सीधा मेरे ऊपर अटैक किया पर मैं उसमें कोई गुस्से में नहीं आता मैंने कहा हम गाय को मां मानते हैं और माँ पर कोई हमला करेगा कोई बलात्कार का प्रयास करेगा कोई छेड़खानी करेगा कोई बदतमीजी करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे ये मैंने बहुत सदे हुए शब्दों में कहा बामियान में जब तालिबान आया अफगान में बामियान में मूर्तिकारों ने कलाकारों ने बहुत मेहनत करके एक मूर्ति बनाने में पाँच पाँच दस दस बीस बीस वर्ष लगते हैं हाथोड़ा छड़ी लेके और मन और आत्मा से कलाकार मूर्ति बनाता है बामयान में लगभग छोटी बड़ी बड़ी तो बहुत लेकिन छोटी भी दस हज़ार मूर्तियाँ थी जैसे हमारे खजुराहों में है जैसे हमारे वहाँ शैक से भी मूर्तियाँ हैं और उनको भी हम लोग देखते हैं क्यों जीवन का हिंदू ने कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष काम को अवॉर्ड नहीं किया गया है तो वहाँ बामयान में आप नहीं मानते बुद्ध पुरुष इस्लाम नहीं मानता मत माने आप निराकार को मानते निराकार को मानते हमने कहा कि हिंदू धर्म ये तिलक लगाया ये तिलक लगाया चोटी रखा नहीं रखा जनेू पहना नहीं पहना किसी इबादत का नाम हिंदू नहीं है बामियान में दस हजार मूर्तियां जिनमें से लगभग एक सौ साठ बड़ी मूर्तियाँ थी भगवान बुद्ध की थी भगवान विष्णु की थी बहुत सारी मैं संक्षेप में उन मूर्तियों को तोहपे लगा कर तोड़ा गया और एक टाइम का टाइम लिमिट तय किया कि वह मूर्तियाँ इस समय नहीं टूटी तो सौ गाय काट करके उसका मांस खाएंगे ये कहाँ का धर्म है कौन सा पंथ है कौन सा मजहब है हम लोग तो सिर्फ मनुष्य को मान मनुष्य इकट्ठे हो गए मनुष्य ने तय कर लिया कि महान है मनुष्य महान है क्योंकि बुद्धि के आधार पर किसी का विशोषण कर सकता है किसी को भी विक्टिमाइज कर सकता हमने तो है, है हमने तो चींटी को पूजा है चींटी को दाना देते हैं हमने तो सांप को भी दूध पिलाया है हम किस मजहब के खिलाफ है हम क्यों मूर्तियां तोड़ें और हम क्यों निराकार को निराधर करें आप न माने बात समझ में आती है लेकिन आप निराधार न करें अब एक राजनीतिक व्यक्ति ने परम पूजनीय ने प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के और कंडोलेंस में भारत माता की जय बोल दिया कई कई बार बोल दिया और बोल दिया उनको वहां जाति प्रताड़ना पड़ी आप कह रहे हैं भारत श्रेष्ठ है हम राष्ट्रवादी हैं हम देशभक्त हैं उस फारूक अब्दुल्ला साहब ने भारत माता की जय भारत माता की जय और हम सबको बोलना ही चाहिए किसी भी मजहब के किसी भी पंथ के किसी भी धर्म के किसी भी मत के किसी भी विचार के भारत माता की जय बोली कश्मीर में उनको और घेरा गया और उनके पर पत्थर फेंके गए ये कहाँ का धर्म है ये कहाँ का मजहब है जी बिशप जी जब मुझे यहाँ या ज्ञानम को बुलाया था ये कौन सा आचरण है और कौन सी आचरण जी ज्ञान जी था? एक एक मिनट बिशप जी हमें यहाँ बुलाए गए थे कि ये ज्ञानम है कि इटर्नल जॉय और पीस का फेस्टिवल है यहाँ तो हम सारे बुरे बुरे बातें करते रहेंगे तो जॉय कहाँ से आएगा पीस कहाँ से आएगा मुझे पता है मत करो। मैं आपने है, 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 बेश मैं मिनट दिया मेरे वहां ही देख के बात करते हूँ ठीक है देखिए जी एक बात है मैं बोल चुका हूँ यहाँ आके हम सारे दूसरों के गलतियां निकालते रहे तो दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी अच्छे अच्छे चीजें देखेंगे वो आगे लेके साथ साथ चले जाएंगे मैं मैं आए, एक मिनट मुझे क्योंकि अच्छा। आयोजन से संबंधित बात है मैं बिशप जी से निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए समझदार जब एक, एक, एक आपने भी कहावत एक एक मिनट एक कहावत आपने भी सुनी होगी कि सिर्फ हाथ उठा करके सिर्फ भेड़ों के झुंड में समर्थन किया जाता है समझदार लोग जब बैठते हैं तो वेशन या नहीं होती है। लेकिन कम चर्चा के अर्थ होते हैं। चर्चा से समझ बढ़ती है और ज्ञान और जो भी हमारा विषय वस्तु है वो प्रतिपादित होता है तो उसमें बहस होती है और किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं होती विषय वस्तु की प्रतिस्था मैं मैं निर्मला जी की बात को आगे बढ़ेगा हमारे यहाँ हमारे भारत में एक समृद्ध परंपरा रही है कि आपस में बैठकर शास्त्रार्थ किया जाए जिसको आजकल बहुत छोटे हल्के स्तर पर बहस कह दिया जाता है तो वो इसलिए नहीं होती कि, कि किसी को नीचा दिखाएं जी जी नहीं नहीं बिल्कुल जी जो चर्चा

मुसलमान नहीं हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कि भारत की जय नहीं कहता होगा ऐसी बात तो ये है कि सभी कहते हैं पहली बात जय विजय का उद्घोष है जिसे भारत की जय हो तो हम सब कहते हैं इसमें कोई आपत्ति या कोई ऐसी बात कहीं से कहीं तक नहीं है गाय की बात है गाय की ताल्लुक से हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों ने अभी हमने बाकायदा जहां आपने फतवे की बात की अभी फतवा भी जारी हुआ है एक, एक महीने पहले हमने किया प्रधानमंत्री जी से हमने आग्रह किया है कि गाय को राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाए यह हमारी तरफ से आया है हम हमारी हम चाहते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों की अगर उससे आस्था है तो हम उसको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते हमें आपसे आहूजा जी कोई तकलीफ नहीं है आपने जो आप एक विधायक हैं एक क्वेंटीची के आप किसी वहां पर पूरी पूरे इलाके के आपको इंसाफ करना चाहिए था बस इतनी सी बात थी, मुझे शिकायत नहीं है आपसे लेकिन यह है कि आप है आप आप एक विधायक 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 सबके हिंदुओं के के नहीं है आप पूरी एक के जी जी। है। आपको हक की बात करने से हम ये चाहते थे आज आज कि हम भी सब एक होकर इंसाफ की बात है आप लोग मेरे घर पर अगर आएंगे क्योंकि राजनीतिक बात बोल दी विधायक है तो मैं पूरे क्षेत्र का विधायक जिन्होंने वोट दिया नहीं दिया राजनीतिक बात करना नहीं चाहता था आप मेरे घर पर आएंगे तो आप मेरे यहाँ पचास साठ परसेंट बैठे हुए मुसलमान पाएंगे जहां मेवात है मेव और बीस तीस चालीस परसेंट पचास परसेंट हिंदू मुसलमान दोनों सबका बिजली का पानी का सड़क का मेडिकल का पुलिस का, का काम करता हूं बस सिर्फ मैं अपराध के खिलाफ हूँ अपराध हिंदू करे या मुसलमान करे मैं, मैं इस बात मैं कोई भी मैं ज्ञानदेव जी की बात पर आऊंगा लेकिन पहले वो मैं आप लोगों से है, कोई भी हो वो आप लोगों तो से निवेदन करूंगा कि इलियासी जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री जी से मिलकर निवेदन किया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए तो क्या जोरदार तालियां नहीं होनी चाहिए तो बजाइए ना फिर अब देखिए मैं उस बात पर आता हूं अब एक बात पर आता हूं आप बहुत, बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत धन्यवाद बल्कि कृतकृती हम इस बात के लिए और सदा आभारी रहेंगे कि आपके नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल ने ऐसा प्रस्ताव रखा अब मैं इस बात पर आता हूं कि जैसे आपने कहा ज्ञानदेव जी से कि आप समूचे क्षेत्र के विधायक हैं तो देखिए ऐसा है आपकी ये जो सद्भावना है तो फिर मुझे एक बात बताइए शकील नाम के एक आदमी के घर से पुलिस ने अलवर की बात कर रहा हूं साठ किलो गोमांस मांस तीन सौ उनतीस गायों की खाले बरामद की और उसे अगर पुलिस पकड़ती है तो कई मुस्लिम धर्म गुरु और कई और लोग खड़े हो जाते हैं कि यह अल्पसंख्यक पर अत्याचार है इलियासी जी मुद्दा बहुत संवेदनशील है क्योंकि अगर हम धर्म अगर सही मायने में इस्लाम का मानते हैं वो उसकी आस्था है तो फिर क्या यह उस आस्था पर प्रहार नहीं है कि जिस व्यक्ति के घर तीन गायों की खालें और साठ किलो गो मांस मिला है भाविण उस भाविण जी गोविंदगढ़ अगर उस आदमी को पुलिस पकड़ती है और जो भी कार्रवाई करती है तो फिर ये बीच में बवाल कहे का, का? देखिए जिस क्षेत्र से की बात आपने करी है अलवर और मेवात जी मैं आपको बता दूं वहां के जो ज्यादातर जो लोग हैं वो यदुवंशी हैं उनके यहाँ गाय पालने का काम आज से नहीं शुरू से है वो लोग गाय पालते हैं ना कि मारते हैं ना कि काटते हैं इस धारणा को खत्म कर दीजिए ये नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही है कि काटते हैं खाते हैं वो लोग पालने वाले लोग हैं काटने वाले लोग नहीं हैं अगर इक्का दुक्का कहीं इस तरह की कोई वारदात होती है तो उसका जिम्मेदार पूरा इस्लाम नहीं होता है वो व्यक्ति अगर उसने गुनाह किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए फिर तो उसके उस... लिए सभी लोग कहते हैं उसके पक्ष में नहीं होता लेकिन अगर कोई झूठे इल्जाम लगा के या इस तरह से गौरक्षक देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी, भी ताल कटोरा स्टेडियम में साफ बता दिया गौरक्षक क्या कर रहे हैं उन्होंने बता दिया हमें कहने की जरूरत नहीं है लेकिन हम गौरक्षक के या गौरक्षकों के खिलाफ नहीं है अगर हम ये कहना चाहते हैं कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमें हम सब एक दूसरे के भाई हैं हमें एक दूसरे का प्यार सम्मान दें एक दूसरे का एहतराम करें अगर कोई गाय पालने वाला भी अगर अपनी गाय को ले जा रहा है और उसको पकड़ के मार दिया जाए या उसके साथ उसको तकलीफ पहुंचाई जाए तो क्या यह अच्छी बात है क्या यह ऐसा करना चाहिए इसके लिए आपसे मेरा सवाल इसका मतलब आप इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि अगर कोई व्यक्ति विशेष ऐसा दुराचरण करता है तो उसके खिलाफ जो होना बिल्कुल होना चाहिए काम यकीन उसमें क्या बात है और जो लेकिन जो गाय पालता है और वो अपने घर से गाय को लेके जा रहा है और आप उसे रास्ते में पकड़ के उसको मार दे तो क्या ये अच्छी बात है अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है और इसकी, तो उसके खिलाफ भी आवाज उठनी चाहिए निंदा होनी चाहिए जी बिल्कुल बेशक होनी चाहिए और आपने समाज में चाहे हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम या कोई भी समाज मेजोरिटी अच्छे लोगों की है चंद लोग हैं जो खराब हैं जिसकी वजह से सारा समाज खराब होता है हमें अच्छे लोगों को उठ के ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए इसी इसीलिए आप जैसे जो सक्रिय सजग राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं उनसे निवेदन किया जाता है क्योंकि आज के वक्त में ऐसे लोगों की सक्रिय भूमिका ज्यादा होनी चाहिए तभी राष्ट्र कहीं होगा ज्ञानदेव जी बात रखे उससे पहले मैं एक बात जोड़ दू और सुशील जी साहब माइक ले लीजिए ज्ञानदेव जी, जी मैं एक बात यहाँ जोड़ दूँ कि आपने बात कही कि, कि जो मेव हैं वे मेव तो उनके पूर्व जिंदु ही थे मैं आप सबके हुजूर में एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत प्रसिद्ध न्यायविद शिक्षाविद और भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं मोहम्मद करीम छागला और उन्होंने एक बहुत लंबा आलेख लिख करके उसमें बाकायदा बोलने वाले पठानों के अलावा सबके सब, सब हम मूलतः हिंदू हैं और जिस दिन हम ये मान लेंगे कि हमारी राष्ट्रीयता हिंदू है हालांकि हमारा पूजा पद्धति का काम या जो पंथ है मजहब है वो भले कोई भी हो अब चूंकि ज्ञानदेव जी बहुत देर से कह रहे हैं कि आधा मिनट आधा नहीं आप भले दो मिनट लीजिए लेकिन अपनी बात आप अपने उसी अंदाज में कहिए देखिए गोपालक हैं स्वागत है और पक्के सड़कों से आप गाय लेके के जाए और दूध वाली गाय के ले जाएँ इसके लिए भी स्वागत है लेकिन कच्चे रास्तों से रात को बारह बजे पहले ट्रकों में गाय गो, गो तस्करी होती थी मेरे यहाँ विवाह में और फिर कैंटरों में और फिर सुविधाएं वाली गाड़ियों में लग्जरी गाड़ियों में सफारी में शूमों में और स्कॉर्पियो बुक्स को हम लोग हमारे गोरक्षक पकड़ते हैं और गौ चौकियाँ बनी हुई हैं पुलिस कई मिली भगत से हो जाती हैं ये भी मैं कहूँगा सरकार हमारी है तो भी मैं आरोप लगा रहा हूँ और दो गाय वो जो रात को बारह बजे ले जा रहा है अकबर और असलम और जब गाँव वालों ने पूछा भाई रात को बारह बजे ले जा रहे हो बोले हम तो दूध के लिए ले जा रहे हैं बोले दूध के लिए ले जा रहे हो तो बछड़े हैं तो बांझ गाय हैं बांझ गाय बोले नहीं हम दूध के लिए ले जा रहे हैं तो आप ताजुब करेंगे कि भाई रात को बारह बजे क्यों ले जा रहे हो और कच्चे रास्ते से खेतों में से बाजरे खेतों में क्यों ले जा रहे हो पक्के रोड से क्यों ले गए उन लोगों पर अकबर असलम पर पहले से छ केस गौ तस्करी के हैं मेरे नौगावां थाने में है गोविंदगढ़ थाने में है नूह थाने में है पहले से हैं और उनको जब रोका तो उन्होंने झूठ बोला तो एक असलम हाथ छोड़ा के भागा और दूसरे को पकड़ा दो चार थप्पड़ मे मैंने कह रखा मारपीट नहीं करना आज तक कोई माप लिचिंग वहाँ नहीं हुई उस पर विषय दूसरा है आज तक कोई मारपीट नहीं हुई उसको पुलिस को सूचना दी पुलिस ने क्या किया मेरा आरोप था कि ये पुलिस कस्टडी पर गृह मंत्री जी ने इसको बाकायदा माना इसलिए वो गोरक्षक थे या गोपालक थे तो बांझ गए थी उनको पास में एक गांव है वहाँ पर उस गांव में गाय को काट करके गाय मांस सप्लाई किया जाता है विषय ये है मौलाना साहब आज बहुत अच्छे ढंग से भारत माता की जय के साथ में सारा डील कर रहे हैं आप बात को समझें वो गौपालक थे तो गाय दूध देने वाली नहीं थी वो बांझ गाय थी बाद में उनको गौशाला में करवाया वहाँ डॉक्टरों को बुलाया तो बाकायदा वो गांव छः साल से कोई वो प्रजनन नहीं था उनका और कोई दूध नहीं दे रही थी इसको, इसको आप ठीक से समझ ले इसलिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं सच्चाई को हम लोग समझ लेंगे ना और हम लोग निश्चल मन रखेंगे तो निश्चित रूप से आहूजा साहब जी।, जी ये बात मैं आपके सामने कह रहा हूं कि गाय मोहम्मद साहब ने फरमाया जयीफ हदीस है तिब्ब नबी से है किताब तिब्ब नबी आपने फरमाया कि गाय का दूध शिफा है गाय का घी अमृत है और गाय का गोश्त बीमारी है इस साफ तौर पर हमको बता दिया गया है और मुझे लगता नहीं कि भारत के अंदर मुसलमान इस तरह का कर्म करते हैं हमारे सामने कोई ऐसी बातें सामने बिल्कुल नहीं है लेकिन इक्का दुक्का कहीं अगर ऐसी हो भी रही है तो हम उसके विरोध हैं हम उसके खिलाफ हैं ये, ये हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं इसी बारे में सिर्फ विधायक से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो पूरे सरकार के लिए है जी जो बीफ एक्सपोर्ट भारत से होते हैं उनका बैन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा मैं समझता हूँ कि इस सवाल को मैं ज्ञानदेव जी तक पहुँचने से पहले लपक लूँ क्योंकि ये सवाल जो है ये सवाल आपने सरकार के उस हिसाब से किया है तो आप सरकार का अंग नहीं है आप मंत्री नहीं है और सरकार में किसी पद पर नहीं है एक, इसलिए आधिकारिक रूप से सरकारी एक, एक, एक शब्द में लिखा एक शब्द में बेशक आई एम नॉट स्पोक मैन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बस यही आ, बात आई एम नॉट मैंने कहा आई एम ये ये सवाल हमारे दायरे में हो मैं राजनीति में हूँ लेकिन राजनीति में बिशप साहब एक धार्मिक आदमी हूँ और धर्म पर जहाँ चोट पड़ती है वहां मैं चोट करता हूँ मैंने ये कहा आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ये जो है ये सरकारी नीति का प्रश्न है उम्मीद करते हैं कि कभी कोई मंत्री मैं में नहीं हूं मैं प्रवक्ता नहीं हूं मैं यहां बोलूं मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ना स्टेट गवर्नमेंट का ज्ञानदेव जी ठीक है जी, जी। विधायक से बात नहीं करता हूं लेकिन हमारी मांग है यदि गाय मां है उसको मार नहीं सकते हैं तो बीफ बैन पे कंप्लीट बीफ एक्सपोर्ट पे कंप्लीट बैन होना चाहिए मैं समझता हूँ कि बहुत धन्यवाद सहमत है तो जोरदार तालियों के साथ में बिशप साहब की इस बात का समर्थन करें और देखिए मैं मैं इलियासी जी के ध्यान में एक बात लाना चाहूँगा हो सकता है पहले से हो लेकिन मेरा यह प्रयास है कि अट्ठारह में फखरुद्दीन नाम के एक पोस्ट ने भगवान बद्रीनाथ की आरती लिखी अठारह मैं क्या कहना चाहता हूं उस मंतव्य को समझिए कि 1865 में बद्रुद्दीन फखरुद्दीन ने बद्रीनाथ जी की आरती लिखी आज भी वो आरती गाई जाती है लेकिन 1865 का मतलब कितना हो गया कितने साल पहले उस आदमी पर कोई फतवा जारी नहीं हुआ उसे इस्लाम से निकाला नहीं गया यहां तक कि उस आदमी ने बद्रीनाथ जी को अपना आराध्या मानकर अपना नाम फखरुद्दीन से बदरुद्दीन कर दिया कितने शर्म की बात है कि आज हम ज्यादा पढ़ लिख गए हैं तकनीक ज्यादा है आधुनिक हो गए हैं लेकिन हम जरा जरा सी बात पर इस तरीके के फतवे जारी करके उसे बाहर कर देते हैं जैसे अभी एक ताज़ा प्रकरण है सावन में सोमवार को एक मुस्लिम भाई जो है मैं आप अगर चाहेंगे तो पूरी डिटेल दे दूंगा उसने रुद्राभिषेक किया पूजा की और उसके खिलाफ फतवा जारी हो गया कि इस्लाम से बाहर ये हराम है मैं आपकी जो बात है ना उसी को लेना चाहता हूँ कि धर्म में इन बात जैसे आपने मोहम्मद साहब की बात कही बड़ी प्यारी बात है और वाकई उन्होंने इस बात का कहा है इस बात को कहा है लेकिन वही तो मैं कह रहा हूं जब मोहम्मद साहब हमारे आराध्य हैं तो फिर हम आचरण में उनकी कई बातों से विपरीत बातें करते हैं तो यही तो आडंबर की अब हमारे तैतीस करोड़ देवी देवता 33 करोड़ देवता हैं हिंदुओं के उसमें एक मोहम्मद साहब एक एक और जोड़ दें हमें कोई आपत्ति नहीं है अब मैं इससे पहले कि प्रश्न दस मिनट के लिए आऊँगा उससे मैं, पहले सुशील जी से एक एक सवाल सुशील जी से सवाल ही कहूंगा और निवेदन करूँगा आप उसी का जवाब दें फिर इधर आएंगे प्रश्नों के लिए आप अपने प्रश्न तैयार रखिए गोस्वामी सुशील महाराज आजकल बाबाओं का और महाराज का जमाना है मैं उस पर नहीं जाऊँगा वो एक अलग सत्र का विषय है लेकिन मेरा निवेदन आपसे यह है कि बजरंग का नाम लेकर गले में भगवा दुपट्टा डालकर और उसके बाद में आचरण में वे लोग जो हैं शराब भी पी लेते हैं मैं संतों की बात नहीं कर रहा वो अलग विषय आएगा आम आदमी की बात कर रहा हूँ जिनको धार्मिक आस्थाओं मान्यताओं से भी कोई गहरा लगाव नहीं है लेकिन सिर्फ शोशेबाजी के लिए और अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए तो क्या आप जैसे जो हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक हैं या जो ज्ञानदेव आहुजाजी जैसे सामाजिक पथ प्रदर्शक हैं उनकी भूमिका कुछ और गहराई से होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल होने की ज़रूरत है इस तरह के आचरण जो हो रहे हैं वो निंदनीय हैं और किसी भी धर्म में विशेषकर सनातन धर्म में उसकी कहीं भी कोई भी जगह नहीं है कोई भी आचरण करता है धर्म के विरुद्ध करता है उसको दंडित किया जाना चाहिए परंतु मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि मैं ज्ञान आहूजा जी को भी 2002 से जानता हूँ मेरी रामलीला देखने के लिए आए थे जोधपुर में और मैं बिशप साहब को मैं माननीय लियासी जी को और आप सब में से ज़्यादा ज़्यादा और विशेषकर आपको भी जानता हूँ हम जिस विषय को लेकर आज प्रारंभ हुए हैं वह सत्य पूछें तो हम तीनों का विषय बिल्कुल नहीं है क्योंकि हम तीनों जुड़े हैं सर्वधर्म संसद से जिसका गठन हमने इसलिए किया कि धर्मों में जो अधर्म कार्य होते हैं उसको धर्मगुरु कैसे हटाए ये धर्मगुरुओं का अपना नैतिक कर्तव्य है देश की सरकारें राजा महाराजाओं की सरकारें जब चला करती थी तो उसमें एक विशेष एक कस, परामर्शदाता होते थे जिनको हम धर्मगुरु कहते थे हर धर्म में हर शासक के साथ वह नीति की बात करते थे और नीति की बात के साथ इस समाज को चलाया करते थे आज ये देश नीति विहीन हो गया है आज गुरुओं का जो पहरावा है या गुरुओं की संज्ञा है उसका नाम खराब हो रहा है उसी को ठीक करने के लिए 2006 से भारतीय सर्वधर्म संसद के नाम से प्रयास प्रारंभ किया कि बहुत सारे मसले हमारे सभी धर्मों में हैं जिनको कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डालने की जरूरत है अगर इस देश को बनाना है तो इन छोटी छोटी क्रूतियों की तरफ से हटकर बड़ी और भारत की भारतीयता की एकता की अखंडता की भारत मजबूत कैसे हो उनकी और हमें धर्मगुरुओं को ध्यान देना जी, होगा जी, इसीलिए हमने जब ये संसद को गठन किया जिसका आजकल मुझे राष्ट्रीय संयोजक बना रखा है जी, मैंने आदरणीय बिशप साहब से जब ये निवेदन किया हम बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम में जाते हैं जिनमें लाखों की संख्या में लोग हैं जहाँ जाकर अपना दायित्व निर्वहन करते हैं ये नहीं देखते कि ये मुसलमान की गैदरिंग है ये हिंदू की गैदरिंग है ये सिख की ईसाई की गैदरिंग है हमें देखते हैं ये भारतीयों का बहुत बड़ा समूह है और इसलिए कंट्रोवर्शियल हमारे सब्जेक्ट हैं उनको कुछ वर्षों के लिए ठंडे बस्ते में डालकर राष्ट्र निर्माण की बात किया जाए अभी हाल की मैं बात बोल रहा हूँ एयरपोर्ट से जैसे ही हम तीन संत निकलते हैं और बहुत सारे लोग हमको घेर लेते हैं और वो विस्मय करते हैं क्या विस्मय करते हैं कि इल्यासी जी के हाथ में मेरा हाथ है मैं उम्र में बड़ा हूँ अस्वस्थ हूँ और वो मुझे सहारा दे के आगे ले जा रहे हैं बिशप साहब साथ चल रहे हैं तो महिलाएं रुकती हैं कहती हैं ऐसा दृश्य हमने भारत में नहीं देखा तो हमने कहा यही दृश्य है जो सर्वधर्म संसद दिखाना जी, चाहती है जी। मेरे कहने का भाव यह है कि अगर हम क्रुतियों की ओर जाएंगे निंदनीय बातों की ओर जाएंगे तो उसका कहीं कोई अंत नहीं और अगर हम एक दूसरे की अच्छाइयों की ओर जाएंगे तो हम इस देश को इस राष्ट्र को जो बनाना चाहते हैं जो वर्तमान की सरकार बनाना चाहती है हम उनके साथ खड़े हुए हुए हैं परंतु हमें छोटी छोटी बातों पर गाय के नाम पर किसी बच्चा चोर के नाम पर किसी और अत्याचार के नाम पर मानव को इतना मार दें और कानून को अपने हाथ में ले लें कि हम सड़क पर ही जिंदा लोगों को मार दें ये कोई भी धर्म मेरा धर्म तो इसकी निंदा करता है इसका समर्थन नहीं करता धन्यवाद सुशील ये सरकारें हैं ये सरकारों का काम है हमारा कर्तव्य है सरकारों को बताना हमारे सरकारों में ही ऐसे लोग बैठ जाते हैं जो जो मुख्य रूप से जिनका पूरा जीवन इस सरकार को इस दल को बनाने में लग जाता है वो कहीं ना कहीं आइसोलेटेड हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति आकर उस सारे वातावरण को खराब करते हैं जी धन्यवाद मेरा जी, अंत में अब यही कहना जी, जी। है कि जो सब्जेक्ट लिया कृपया हाथ जोड़कर तो जो हम प्रयास कर रहे हैं बड़ा प्रयास है भारत के लिए बड़ा प्रयास है इस देश के लिए बड़ा प्रयास है उसमें हम लोग जोड़ रहे हैं अलग अलग धर्म के धर्म गुरुओं को ला ला कर ला ला कर और संख्या इतनी हो रही है जहां मैं मुस्लिम समाज की बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं मैं हैदराबाद में इतनी बड़ी मुस्लिम गैदरिंग में था और जब मैंने उनसे कहा कि अगर मैं बोलूं कि भारत माता की जय तो शायद आप आधे लोग ना बोलें अगर मैं ये जोर से बोलूं मादरे वतन तो आप बोलेंगे जिंदाबाद मुझे बताइए इन दोनों बातों में कोई अंतर है अगर ईसाई भाई मेरा ये कहता कोई है मदरलैंड और इसमें भारत माता में और मदरलैंड में कोई फर्क है अगर जितना मुसलमान मेरा भाई हिंदुस्तान 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 बोलता है और गर्व से मेरा सर नीचा हो जाता है कि मैं हिंदू होकर भी इतनी बार हिंदुस्तान हिंदू 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 कहने में शर्माता हूँ बार बार, बार भारतीय कहता हूँ इंडियन कहता हूं मगर ये विभाजन जिस देश का हुआ वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाम से हुआ और हम ही जय हिंद करना भूल गए कौन सा ऐसा मुस्लिम है कौन सा ऐसा ईसाई इसा है ऐसा कौन सा भारतीय जो जय हिंद नहीं करना जी चाहता जी। हम उसको क्यों नहीं अपनाना चाहते प्लीज क्यों नहीं हम इन चीज चीजों को लेना चाहते ग्यों। हम अपनी कंट्रोवर्शियल बातों को यही समाप्त करें और हम सब मिलकर धार्मिक लोग धर्म गुरु इस राष्ट्र की रक्षा के लिए मानवता की रक्षा के लिए ये ज्ञानम जो प्रारंभ किया है ज्ञान देने की बात करें ज्ञान की ओर ना बढ़े जी धन्यवाद सुनील जी धन्यवाद देखिए मैं मैं निवेदन कर दूं कि आप आपसे क्षमा मांगते हुए दो बातों से इतफाक में नहीं रखता आपकी दो बातों से पहली बात तो यही है जो आपने कही कि भाई ये जो इस सत्र का विषय है ये आप तीनों से संबंधित नहीं है बात 180 डिग्री उल्टी है इस सत्र का विषय सौ फीसदी आप तीनों से ही संबंधित है कैसे कैसे नहीं अगर हमें मालूम होता कि सुनिए 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 कंट्रोवर्शियल की बात नहीं है कंट्रोवर्शियल की बात नहीं है सुशील जी मेरा निवेदन क्या है कि देखिए आप तीनों एक धर्म गुरु के रूप में जिस उच्च पद पर आसीन हैं जो आप लोगों ने एक पवित्र दायित्व धारण करके और एक बड़ा उद्देश्य लेकर के शुरू किया है तो आज अगर समाज में धर्म के नाम पर आचरण में आडंबर हावी है तो हम लोग आप जैसे सज्जनों के पास आएंगे या जो धर्म का बाना पहन करके लोगों को धोखा देते उनके पास जाएंगे बताइए हम किसके पास जाएंगे समाज का आम आदमी बस तो ये ये सत्र इसीलिए किया गया है कि समाज का आम आदमी जो आप लोगों से इस बात को पूछे कि आप मार्गदर्शन जी, जी पहले हृदय सुशील जी ने जो कहा है वो राष्ट्र सर्वोपरि भारत माता सर्वोपरि सभी देवताओं से ऊपर है ये भारत माता और ये राष्ट्र ये उसको हिंदुस्तान कहा उसको भारत कहा अंग्रेज में इंडिया किसी ने कहा व्यक्ति रूप से किसी ने कहा हम उसको अच्छा नहीं मानते लेकिन जो आडम्बर आ गया आपने कहा भी कांवड़ियों ने एक जगह दंगा किया तो पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सबसे ज़्यादा कन्नम मैंने किया कि ये जाते हो कांवड़िए गंगा लाने और शिव के मंदिर में आगे चढ़ाने धन्यवाद गांधी जी बिशप जी आपकी इसे बात राष्ट्र महान स्वागत करता हूँ संक्षेप इसे इसे में अपनी बात फिर मैं समापन करूंगा बहुत समय मैं जी। बहुत शॉर्ट रहा जी पहली जी। बात आपने कहा है कि विधायक है पॉलिटिशियंस है लोगों के बीच में होते हैं जितने हम लोगों के बीच में होते हैं उतना कोई नहीं होता है जैसे हम एडुकेशन देते हैं लोगों का कैरेक्टर चेंज करने की तैयारी करते हैं बच्चों को देशभक्ति बनाने के लिए देश की सेवा के लिए बनाते हैं उतना कोई विधायक नहीं बनाता है पहली बात दूसरी बात है आप बोले हैं कि हम सिर्फ भाषण करते भाषण, भाषण तो ऐसे सेमिनार में होते हैं जब हम लोगों के बीच जाते हैं उनको प्यार दिखाते हैं और प्यार क्या होता है ये कैसा करना है वो सिखाते धन्यवाद ये जो आपने कहा है ना बस यही सच्चा धार्मिक आचरण है और इस आचरण में जब कुछ विषम तत्व आते तो आडंबर कहलाते तो मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं एक बात के साथ हमारे मंचासीन सारे महानुभाव और आप सब इस बात पर सहमत हैं और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है धर्म बाद में मैं एक बात पे आपका ध्यान देना चाहूंगा कि कल पाकिस्तान की सरकार ने एक बात कही है कि गुरु नानक देव जी के शहीदी दिवस को 22 सितंबर को होता है 550 साल पूरे हो रहे हैं तो करतारपुरा का रास्ता खोल देंगे ध्यान दीजिएगा कल कल पाकिस्तान की सरकार ने यह कहा है इस पर यहां कोई मौजूद नहीं समुदाय से होता तो मैं पूछता अब आप सभी से पूछ रहा हूं इस पर सिख समुदाय के बड़े बड़े धार्मिक लोगों ने आहलाद जताया और यह कहा है कि पाकिस्तान का हमारा रोम रोम भी कर्ज नहीं चुका सकता लेकिन ठहरिए उन्होंने जिस दिन ये कहा है कल ही पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा ने कहा है हम हिंदुस्तान से खून के एक एक, एक कतरे की बूंद का बदला लेंगे तो क्या करतारपुरा का मार्ग खोले जाने की खुशी और पाकिस्तान को रोम रोम का धन्यवाद दिया जाना सही है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है ना यहां सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मैं ये कह रहा हूं कि सिख सिख धार्मिक गुरुओं ने खुशी जाहिर की है जब मैं बीफ बैन का सवाल पूछा था सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रश्न नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय नहीं है प्रश्न सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है सिख धर्म गुरुओं ने खुशी जाहिर की है तो यहाँ सिख धर्म का कोई नहीं अब है उनसे नहीं है मैं आप लोगों से एक सामान्य परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूं तो इसीलिए मेरा यही कहना है कि पहला निवेदन मैं आयोजक की ओर से ये कर दूं कि हमारे इस सत्र का जो मूल मंतव्य है वो ये है कि जो समाज पथ भ्रष्ट होता जा रहा है धार्मिक आचरण में आडंबर है तो ऐसे सज्जनों के पास में ऐसी गुणीजनों के पास में ऐसे धर्म गुरुओं के पास हम अपनी बात रखें इसीलिए ये एक समाज आगम किया आ, गया तो आप आखिरी बात को अन्य बात के था के ना, ना लें बस आखिरी बात मैं कह के, के एक नसीहत के तौर पर अपनी बात को खत्म कर लूंगा उसके बाद चूंकि सवाल जवाब के आखिरी बात नसीहत की है चूंकि अब सारी चीजें तो हो गई मैं आपके सामने ये बात कहना चाह रहा हूं कि हमारे भारत में पिछले दो सालों में एम्बुलेंस के अंदर सत्तर डेथ हुई है मेरा आपसे एक नसीहत के तौर पे इमाम होने के नाते कह रहा हूँ कि जैसे ही हम एम्बुलेंस को देखें सबसे पहले हम उसे रास्ता दें और उसके बाद हम ईश्वर से एक मिनट हाथ उठा के कभी भी जैसे एम्बुलेंस आपकी निगाह में आए रास्ता देने के बाद ईश्वर से परमात्मा से अल्लाह ताला से हाथ उठा के दुआ कर दें हे परमात्मा हे ईश्वर जो भी इसमें इंसान जा रहा है वो उसे शिफा दे दे मैं यकीन से कहता हूँ कि जब आप निस्वार्थ किसी के लिए दुआ करेंगे ना वो उसके लिए ज़रूर उसका फ़ायदा पहुँचेगा वो ज़रूर ठीक होगा उसके बदले हमें नेकी मिलेंगी एक दिन स्वामी जी भी मैं भी आप भी उस एम्बुलेंस में जा रहे हों और कोई हमारे लिए दुआएं कर रहा हो इससे बड़ा नेक काम नहीं हो सकता हमें चाहिए कि हम सब मिलकर इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे अंदर जो हम इंसानियत के लिए जो कर सकें उसकी तरफ हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ये सत्तर हज़ार की जो डेथ हुई हैं हम इस अमल को अपने जीवन में उतार लेंगे मैं यकीन से कहता हूँ कि आने वाले समय में शायद ये आंकड़ा बहुत कम हो जाएगा और दूसरों का भला होगा दूसरों की भलाई में ही हमारा जीवन होना चाहिए हमारा मकसद होना चाहिए यही धर्म होना चाहिए यही पैगाम होना चाहिए यही इबादत होने धन्यवाद दीपक जी को बस बस दीपक जी गोस्वामी को धन्यवाद ज्ञानम के आयोजकों को धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर धन्यवाद आप सब धन्यवाद आपने जो भी बात कही ना आप जैसे धर्म गुरुओं से ऐसे ही सद आचरण की सीख के लिए ये समागम किया गया आप किसी भी बात को अन्यथा कोई भी न ले हम आपके यू समझिए बच्चे हैं आयोजक हैं और आप जिस भाव से पधारे हैं वो कोटि कोटि धन्यवाद के काबिल हैं जोरदार तालियों के साथ में हमारे मंचस्थ अतिथियों का धन्यवाद आप अभी मंच पर विराजमान हो हाँ, स्मृति चिन्ह स्मृति चिन्ह वगैरह नहीं सवाल का सत्र तो, तो, तो वो वो समय तो हम लोग ले गए अच्छा, ले वो समय हम लोग ले गए अपनी अच्छा, खुराक में माइक इज इट ऑन अच्छा, अच्छा. आ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुमार गणेश आपने जिस तरीके से इस सेशन को कंडक्ट किया और वो तमाम सवाल जो बहुत सारे लोगों के जहन में थे उन्हें बेबाकी से रखा और हमारे मंचस्थ तमाम अतिथि जिन्होंने बहुत ही सधे हुए तरीके से उनके जवाब दिए और ये जो डिस्कशन रहा और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी अपने मंच अतिथियों से वैभव ग्लोबल लिमिटेड को हम यहाँ सम्मानित करने जाएंगे श्री पुष्पेंद्र सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट एच एशिया और श्री राज सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट एशिया एस सप्लाई चेन मैनेजमेंट वैभव ग्लोबल लिमिटेड की तरफ से प्लीज़ मैं चाहूंगी आप स्टेज पर आए और मैं बता दूं इनका जो योगदान है समाज में हालांकि कहाँ ये जाता है कि योगदान जो इस तरीके का होता है वो बहुत लोग देते हैं लेकिन अगर आप ये जानेंगे कि यहाँ क्या किया जाता है तो जाहिर तौर पर न सिर्फ ये एक इंस्पिरेशन है बल्कि ये ये बताता है कि अगर कॉरपोरेट्स चाहें तो समाज में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं और ये एक यूजुअल सीएसआर एक्टिविटी नहीं है पैंतीस हज़ार बच्चों को पैंतीस हज़ार ज़रूरतमंद बच्चों को ये अक्षय पात्र के माध्यम से हर रोज़ खाना खिलाते हैं ज़रा सोचिए कि पैंतीस हज़ार बच्चे अब आप कहेंगे लाखों करोड़ों लोग बच्चे भूखे सोते हैं पर सोचिए कि अगर ये भी ना हो तो वो पैंतीस हज़ार और उसमें ऐड हो जाते वो भी भूखे सोते और अगर ऐसे ही इनिशिएटिव पैंतीस पैंतीस हज़ार करके देश में हो तो लाखों करोड़ों भूखे बच्चों का पेट भर सकता है तो ये वैभव ग्लोबल का एक ऐसा इनिशिएटिव है काबिल तारीफ़ है ज़ोरदार तालियों से मैं चाहूँगी कि आप इसका स्वागत करें और हमारे सम्मानित अतिथि वैभव ग्लोबल लिमिटेड के इस बेहद नेक और सराहनीय सामाजिक प्रयास के लिए सम्मानित करते हुए and this is one of them feeding 35000 needy children every day iske alawa इसके अलावा ऐसी बहुत सारी सी एस आर एक्टिविटीज़ है बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ हैं जिसके साथ ये ग्रुप जुड़ा है और जो ये बताता है कि एक कॉरपोरेट uh, हाउस का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है बल्कि वो जो कमा रहा है उसमें से एक अच्छा खासा हिस्सा वो किस तरह से समाज सेवा पर ख़र्च कर रहा है और ऐसे कुछ एक कॉरपोरेट uh, हाउस जो दूसरों के लिए ज़ाहिर तौर पर एक अच्छी और बड़ी मिसाल हैं और हम इस चीज़ के लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि आप ज्ञानम से जुड़े हैं आ, 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 टी ब्रेक। टी ब्रेक। और इस वक्त हॉल में जितने भी लोग हैं मैं चाहूंगी पंद्रह मिनट का हम लोग ब्रेक लेंगे हालांकि हम लंच ब्रेक की तरफ हमको बढ़ना चाहिए था लेकिन क्योंकि हमारा पहला सेशन थोड़ा लंबा खिंच गया तो ये टी ब्रेक है पंद्रह मिनट हैं आपके पास मैं अनुरोध करूंगी पंद्रह मिनट के अंदर अंदर हम वापस यहाँ पर आएंगे, वी आर गोइंग टू रिज्यूम विद द सेशन और पैंतालीस मिनट अब हम ये टाइम लिमिट फिक्स कर कर चल रहे हैं पैंतालीस मिनट हमारा हर एक सेशन का फिक्स टाइम स्लॉट रहेगा ताकि हम जिस समय को लेकर के आगे चल रहे हैं नियत समय पर आज का जो सेशन है वो वाइंड अप हो सके क्योंकि वी हैव सिक्स मोर सेशन्स अपकमिंग सेशन्स टुडे और अभी एक ही सेशन हो पाया है लंच टाइम से पहले फिलहाल पंद्रह मिनट का टी ब्रेक पंद्रह मिनट के बाद हम यहीं पर मिलेंगे अगले सेशन के लिए मैं आपको बता दूँ साधु और संत को पारिभाषित करने की क्या ज़रूरत है जिसे चेयर करने वाले हैं उपेंद्र मिश्रा जी थैंक यू थैंक यू ज्ञानदेव जी